हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में दे रखा है एक किसी काम को करने के लिए 12 डेज लेता है, बी उसी काम को करने के लिए 18 डेज लेता है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36। एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। टोटल वर्क कितना है? 36। ए को कितना टाइम लगता है? 12 डेज। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। 18 36 को कट करेगा 2 पे, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क ओनली फॉर 2 डेज। वो काम को स्टार्ट करते हैं बट जो ए है वो 2 दिन ही काम करता है। तो ए ने कितनी यूनिट काम किया है? वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए ने कितने दिन काम किया? 2। तो ए ने 6 यूनिट वर्क कंप्लीट किया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क माइनस वर्क डन, तो 30 यूनिट काम बचा हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला गया था रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी। ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको बी कंप्लीट करता है। इफ द टोटल वेज इज 2400 देन व्हाट इज बी शेयर इन। अगर टोटल वेजेस 2400 है तो बी का शेयर कितना होगा? सो वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ वर्क। तो कितना काम कर रहा है वो? 30 काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना है? 36। टोटल वर्क 36 है जिसमें से वो 30 यूनिट वर्क कर रहा है, और इसको वेजेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेजेस कितनी दे रखी? 2400। से कट कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा ₹2000 आंसर।